नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज के दिन हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस की। आज का दिन खास तौर पर इसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से सालों से हमारे देश में डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल और सरकार भी इस बीमारी से लड़ती आ रही है, लेकिन इस लड़ाई में असली जान तभी आएगी जब हम खुद जागरूक बनेंगे। मुझे 2014 में पता चला कि मुझे कुछ अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब एक्सरे के लिए बोले, फिर मैं एक्सरे करा के दिखाया डॉक्टर साहब को। वो बोला कि आपके अंदर पानी है, उसको निकालना पड़ेगा। टेस्ट किया तो उसमें टीबी था। मुझे दिक्कत हुई थी, कमजोरी महसूस हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी अंदर से, चलने पर थक जाता था जल्दी जल्दी में। मैं दवा डॉक्टर साहब के एडवाइस से खाया 6 मंथ के बाद। टीबी भिन्न प्रकार के होते हैं। टीबी एक कीटाणु है, तो इस पर डिपेंड करता है या इस पर निर्भर करता है कि वो किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। सबसे कॉमन जो टीबी हम देखते हैं वो लंग्स की टीबी होती है, फेफड़ों की टीबी, और उसमें से भी जो कॉमन टीबी है वो स्पूटम पॉजिटिव टीबी है, जिसमें बलगम में टीबी का कीटाणु बाहर आता है, उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसके अलावा अगर फेफड़ों के आसपास पानी इकट्ठा हो जाए उसको हम प्लूरिसी या प्लूरल टीबी कहते हैं। कभी कभी टीबी हड्डियों में चली जाती है, उसको हम बोन टीबी कहते हैं। और यहाँ पे नेक में काफ़ी बार ग्लैंड्स होते हैं जिनमें अगर टीबी आ जाए तो उसको हम लिम्फ नोड वाली टीबी कहते हैं। टीबी कभी कभी दिमाग में ब्रेन टीबी भी हो सकती है, आंखों को भी अफेक्ट कर सकती है। बेसिकली एक कीटाणु है, वो एक बैक्टीरिया की तरह ही है, उसको हम माइकोबैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो हैं बुखार, वजन में कमी, भूख कम लगना और खांसी अगर लंग की टीबी हो। टीबी को पकड़ने के लिए बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, खून की जांच होती है, खांसी बलगम का टेस्ट होता है, कभी कभी एक्सरे या सीटी स्कैन करना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि टीबी किस हिस्से को अफेक्ट कर रही है, उस हिसाब से टेस्ट्स करने पड़ सकते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक किस्म का टीबी है जो आजकल हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है, और जो आम दवाइयों से टीबी का कीटाणु ट्रीट नहीं होता है उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। और अगर ये टीबी डायग्नोज हो जाए तो उसमें अलग किस्म की दवाइयां देनी पड़ सकती हैं। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अगर ये स्पूटम पॉजिटिव टीबी है, अगर बलगम में टीबी है, अगर लंग की टीबी है जिसमें बलगम में पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हर किस्म का टीबी कम्युनिकेबल नहीं होता है। कम्युनिकेबल टीबी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक हेल्थ हैजर्ड है। टीबी को ट्रीट करने के लिए 6 महीने की दवाई तो आवश्यक है, मिनिमम टाइम 6 महीने लगते हैं, और कभी कभी हम 9 महीने, साल, 1.5 साल भी दवाई चलाते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है टीबी की तो 6 महीने आपको दवाई आवश्यक लेनी है, और दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, हर रोज़ दवाइयाँ लेनी आवश्यक हैं। अगर दवाइयाँ हम नहीं लेंगे तो जो सेंसिटिव टीबी है वो रेजिस्टेंट टीबी भी बन सकती है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो यूजुअली मैल न्यूट्रिशन से हो जाती है, या डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी में आते हैं तो ये ज़्यादा कैच कर लेती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको ऐसा खाना चाहिए बॉडी में जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, बैक्टीरिया से फाइट करने की कैपेबिलिटी दे। तो उसके लिए आपको बहुत सारा गुड फैट्स इंक्रीज करना चाहिए आपकी बॉडी में, जैसे कि थोड़े से नट्स हो गए, थोड़े से सीड्स हो गए, या फिर डेयरी इंक्रीज करो, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, और होल ग्रेन्स का यूज़ करो। गेहूं के आटे की रोटी बहुत अच्छी है, अपने ग्रीन्स को बढ़ाओ। ट्यूबरक्लोसिस में एक विटामिन ए जब हम डालते हैं स्पेसिफिकली, तो ये बहुत अच्छा देखा गया है कि हील करता है उस डिज़ीज़ को। तो विटामिन ए या तो आपको फिश में मिल जाएगा या कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स में मिल जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान आपको वेट गेन करना ज़रूरी है। करीब 6 से 8 किलो का वेट आप ज़रूर गेन करिए। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पौष्टिक खाना खाइए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, ताकि वो डिज़ीज़ रिलैप्स ना हो जाए। रिलैप्स नहीं होने के लिए आपको आवश्यक पोषण देना ज़रूरी है बॉडी के लिए। नमस्ते, आज हम आसन करने जा रहे हैं वो है भुजंग आसन, स्नेक पोस्चर। इसकी खासियत यह है कि ऑफ कोर्स स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है,
और सो जिनको स्लिप डिस्क है, तो सबसे पहले हम स्टमक पे लेटेंगे इस आसन के लिए। जब आप स्टमक पे लेटेंगे तो आप अपने हाथ जो है या शोल्डर्स के नीचे रखें, थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए कि आपके जो एल्बोज हैं वो रिबगेज की तरफ जाएं, यहाँ पे ऐसे ना हो बहुत ज़्यादा, उसको रिबगेज के यहाँ रखिए और अपना फोरहेड नीचे लाइए। कोशिश करिए कि पैर इकट्ठे हों, अगर आपकी स्पाइन वीक है तो पैर उनको आप डिस्टेंस में रख सकते हैं। फोरहेड नीचे लाके अब मैं अपने हाथ पहले पीछे लाऊंगी और इनको इंटरलेस करिए। धीरे धीरे आप अपना हेड और चेस्ट उठाएं, यहाँ से आप अपने हाथ छोड़ के अपने हाथ शोल्डर्स के नीचे लाइए, तो आप देखेंगे कि आपके जो एल्बोज हैं वो अपने आप अंदर आ गए हैं। और अपने आप को धीरे से इस पोस्चर से वापस लाइए, नीज के ऊपर आके आराम से बैठिए। सो आपने बस यही ध्यान रखना है कि पुश नहीं करना है स्पाइन को। जो हल्की सी एनर्जी है या हल्की पेन, वो आपके लोअर बैक से और मिडिल बैक के बीच में फील होगी, उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वही एरियाज वो हमारे वर्क कर रहे हैं इस आसन से। कई बार लोग घबरा जाते हैं, हमें बैक में दर्द है, उसको धीरे धीरे अपनी स्पाइन को ऊपर लाइए। शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, ब्रेथ लीजिए एंड यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट। थैंक यू फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि दो मुहा बाल, वो बाल जो जड़ से तो एक से ही निकलते हैं लेकिन आखिर में पहुंचते पहुंचते उसके दो मुंह हो जाते हैं। इसकी कई वजहें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम वजह जो है वो है अनकेयर्ड, अंडरनरिश्ड एंड अनकंडीशनड हेयर। स्प्लिट एंड्स के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप रेगुलरली दो या तीन सिटिंग स्प्लिट एंड ट्रिमिंग ट्रीटमेंट कर लें, जो आपको एक प्रोफेशनल से ही लेना पड़ेगा, और वो बारीकी से आपके बाल लेके जो जो दो मुहे बाल हैं उन सबको वो ट्रिम कर देते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर हेयर ऑयलिंग करें, जिसमें आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैतून का तेल आपके पास नहीं है तो सबसे आसान है कि आप बादाम का तेल और अरंडी यानी कि कैस्टर ऑयल को दोनों मिक्स करके वो आप बालों में अच्छी तरह मसाज करें। और इसके बाद आप टर्बन थेरेपी ज़रूर अपनाएं, जो बहुत ही आसानी से आप घर पर कर सकते हैं। एक तौलिया गीला करके, अगर आपके पास माइक्रोवेव है, वो दो या तीन मिनट के लिए माइक्रोवेव में डाल दीजिए और ये भाप वाला तौलिया एक पगड़ी की तरह अपने बालों में लगा लीजिए। इस भाप से आपके हेयर फॉलिकल एंड स्कैल्प में स्टीम जाएगा, जिससे तेल का जो पोर्शन है वो अंदर तक पहुंच पाएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप एक पानी, गर्म पानी एक पतीले में उबाल के उसको अच्छी तरह निचोड़ के और बालों में अपना लीजिए। इसके बाद हेयर मास्क जो हाई इन प्रोटीन हाई इन नरिशमेंट हो, वो आप बालों में कम 15 दिन में एक बार लगा लें। इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है जो आप घर में लगा सकते हैं, वो है दो अंडे, दो चम्मच मलाई और थोड़ा सा नींबू का रस। इन तीनों चीज़ों को आप फेंट लीजिए और फिर इसमें आप एक एवोकाडो मैश करके डाल सकते हैं और बालों में आप लगा के करीबन आधा घंटा छोड़ दीजिए। ये मास्क अगर आप 15 दिन में भी एक बार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में चमक, जान एंड सॉफ्टनेस एकदम आ जाएगी और धीरे धीरे आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो गायब हो जाएंगे। आज का हमारा वर्कआउट एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, जिसे हम टबाटा भी कहते हैं। 20 सेकंड्स इंटेंस वर्कआउट फॉलोड बाय 10 सेकंड्स ऑफ रेस्ट, इसके हमें 8 सेट करने हैं। तो शुरुआत कीजिए मेरे साथ और इसके बेनिफिट्स पाइए। हमारी पहली एक्सरसाइज स्केटर प्लायो है, मैं आपको इसकी स्पीड दिखाऊंगी और इसी स्पीड से हम करेंगे ताकि हमारा हार्ट रेट एकदम डबल हो जाए। सो लेट्स बिगिन। 20 सेकंड्स नॉन स्टॉप विदाउट स्टॉपिंग। इसके बाद हम 10 सेकंड्स के लिए रेस्ट करेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स है, जिसे भी हम उतनी ही तेजी से करेंगे। Just for 20 seconds. Again, 10 seconds of rest. इसी प्रकार से आप ऐसे 8 सेट रिपीट करेंगे, 20 सेकंड वर्कआउट और 10 सेकंड का रेस्ट, टोटल में 4 मिनट एक दिन में,
और आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम डबल हो जाएगा। टबाटा के हेल्थ बेनिफिट्स एक घंटा रनिंग से भी ज़्यादा हैं, तो आप आजमाइए और बताइए आपको क्या बेनिफिट्स मिले। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आप अपनी परेशानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।